नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन, अहमदाबाद गुजरात से। दोस्तों मेरी ही किडनी 1.5 साल पहले फेल हुई थी और 1.5 साल मैंने डायलिसिस करवाया, फिर ट्रांसप्लांट करवाया। तो दोस्तों आज मैं अपने डायलिसिस के एक्सपीरियंस की वजह से बताना चाहता हूं कि कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, क्रिएटिनिन काफी बढ़ चुका है और डॉक्टर ने बोल भी दिया है कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, फिर भी वो लोग डायलिसिस स्टार्ट नहीं करवाते क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहता है कि डायलिसिस में क्या होता है, कैसे होता है, ये पेनफुल रहता है या क्या होता है ये सब। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उस जानकारी देने के लिए बनाया हुआ है। तो सबसे पहले डायलिसिस क्यों करवाना चाहिए, अगर आप सोच रहे हो कि डायलिसिस नहीं करवाते या थोड़े देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि ये बहुत जोखिमकारी है। क्योंकि अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही तो क्या होता है कि आपकी आपके बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें टॉक्सिन्स जो होता है, जो ज्यादा सा टॉक्सिन्स बढ़ जाता है, वो किडनी साफ नहीं कर पाती, यानी कि वो टॉक्सिन्स आपके ब्लड में ही रहता है, जो एक तरीके का कचरा ही है। तो अगर आप उसको साफ नहीं करवाओगे डायलिसिस में, तो क्या होगा कि वो ब्लड जिसमें टॉक्सिन्स बहुत सारा है, जो कचरा भरा हुआ है, वो बॉडी में सभी जगह घूमता रहेगा और दूसरे पार्ट्स को भी, दूसरे ऑर्गन्स को भी वो इंजर करता रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके दूसरे पार्ट्स को भी वो खराब कर देगा। इसलिए डायलिसिस करवाना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि किडनी तो 24 घंटे काम करती रहती है, अब आपकी किडनी काम नहीं कर रही तो वो बॉडी में आपके ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 या 3 दिन के बाद जो रेगुलर डायलिसिस करवाना पड़ता है, हर 2 दिन में 3 दिन में, तो वो करवाना बहुत जरूरी है ताकि वो टॉक्सिन्स आपके ब्लड से निकल जाए और आप हेल्दी रह सको। इसलिए डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको डायलिसिस करवाना है या स्टार्ट करवाना ही पड़ेगा, तो आपको बिना सोचे वो करवाना पड़ेगा। अब रही डर की बात, डर ये रहता है कि क्या वो पेनफुल रहता है कि क्या नहीं, या कोई रिस्क रहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायलिसिस करवाने में कोई रिस्क नहीं है और ना ही वो ज्यादा पेनफुल है, ठीक है। डायलिसिस कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक फिटसुला बनाई जाएगी, जो मैंने यहाँ पे बनाई थी 1.5 साल पहले ही, तो उसमें ये जो मेरी पूरी फिटसुला है उसमें यहाँ पे जो 2 निशान बने हुए हैं उसमें से ये पहले निशान में एक नीडल डाली जाती है, छोटी सी नीडल होती है, मामूली सी, कोई पेन नहीं होता। तो एक नीडल में से ब्लड निकलता है, फिर वो निकल के जाता है हमारे डायलिसिस के मशीन में, फिर वो वहां पे प्योरीफाई होके टॉक्सिन सारा निकल के और ज्यादा जो पानी बढ़ता है वो सारा ब्लड में से अलग होके अच्छा हुआ ब्लड, प्योरीफाई हुआ ब्लड यहाँ पे एक नीडल डाली जाती है, उससे हमारे बॉडी में फिर से डाला जाता है। पूरे 3 घंटे ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है, थोड़ा सा ब्लड निकलता है, प्योरीफाई होता है और वापस यहाँ से वापस चला जाता है। तो आपका बॉडी जो होता है उसका पूरा ब्लड साफ हो जाता है और जो ज्यादा पानी बढ़ा हुआ होता है वो भी निकल जाता है। इसलिए हर 2-3 दिन में डायलिसिस करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि 1-2 महीने बाद आपको डायलिसिस स्टार्ट करवाना पड़ेगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके पास 1 महीना है ताकि इस तरह की आप फिटसुला रेडी करवा सको, आपके पास टाइम रहेगा। कुछ किस्सों में ऐसा होता है कि ज्यादा क्रिएटिनिन बढ़ चुका है तो डॉक्टर बोल देंगे आपको कि आपको ऑन द स्पॉट अभी के अभी डायलिसिस स्टार्ट करवाना पड़ेगा या 1 या 2 दिन में ही करवाना पड़ेगा। तो ये फिटसुला बनाने का आपको टाइम नहीं मिलता क्योंकि ये बनाने के बाद 15 से 20 दिन के बाद ये रेडी होता है डायलिसिस के लिए, ठीक है। तब डॉक्टर क्या करवाते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ गले में नली डाली थी जिसको कैथेटर बोलते हैं, छोटी सी नली होती है, वो डालते हैं और जब तक ये फिटसुला रेडी नहीं हो जाता डायलिसिस के लिए तब तक यहाँ से 15 या 20 दिन के लिए डायलिसिस होता रहता है। ये भी ज्यादा पेनफुल नहीं होता है, नॉर्मली सी होता है, लेकिन वो नली यहाँ पे 15-20 दिन रखनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों डायलिसिस बहुत ही जरूरी चीज है जिससे आपका ब्लड प्योरीफाई होता है। अगर आप आयुर्वेद में जाओगे तो आयुर्वेद वाले आपको शायद बोल देंगे कि आपको डायलिसिस करवाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, हमारी दवाई से हो जाएगा, ये वो बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे और आप मान भी लोगे कि चलो भाई डायलिसिस से तो अच्छा है, आयुर्वेदिक 15-20 दिन की दवाई लेके तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि वो ब्लड में कचरा बढ़ता जाएगा जो कि एक जहर जैसा ही है। तो डायलिसिस टाइम टू टाइम करवाइए, डॉक्टर ने बोला है कि डायलिसिस स्टार्ट करवाइए तो करवाना ही चाहिए, उसमें देरी मत करना। और दोस्तों डायलिसिस में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से डायलिसिस करवाते वक्त भी हम हेल्दी रह सकते हैं, उसके लिए हमने और एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप यहाँ पे आई पे क्लिक करके देख सकते हो। दूसरा, डायलिसिस परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, जब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं करवा रहे तब तक। ट्रांसप्लांट भी एक बहुत ही सेफ और सिक्योर एक ट्रीटमेंट है जिससे आपकी लाइफ फिर से पहले जैसी नॉर्मल सी हो सकती है। लेकिन ट्रांसप्लांट कराने में अगर देरी हो रही है, डोनर नहीं मिल रहा है या कुछ भी, आप वेटिंग लिस्ट में हो, तो तब तक डायलिसिस जरूर करवाते रहिए। उसमें कोई भी आप छोटी सी भी गलती मत करिए, डायलिसिस में टाइम टू टाइम करवाइए, टाइम टू टाइम दवाई लीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। दूसरी बात कि ट्रांसप्लांट के दौरान क्या क्या ध्यान रखना होता है, ट्रांसप्लांट की क्या प्रोसीजर होती है, डोनर्स को क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीजों के लिए भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। यहाँ पे आई पे क्लिक करके आप हमारे वीडियो देख सकते हो और ये चैनल पे भी हमने
ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस रखे हैं किडनी पेशेंट्स और डोनर के लिए, तो आप हमारे चैनल किडनी एक्सपीरियंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपके ही जैसे लोग, किसी की किडनी फेल हुई है, कोई डायलिसिस करवा रहा है, कोई ट्रांसप्लांट के लिए ट्राई कर रहा है, ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे, बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों थैंक यू हमारा ये वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।